गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, टुडे इज़ 21 सितंबर 2018 एंड हम लोग आज इंडियन एक्सप्रेस के जो कंप्लीट न्यूज़पेपर है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। एडिटोरियल पेज को मैंने पहले ही 7 बजे पोस्ट कर दिया है, तो एडिटोरियल डिस्कशन आप अलग से वहां पर जाकर देख सकते हैं हमारे चैनल पर। तो इसमें हम लोग वैसे न्यूज़ जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं, जो बच जाते हैं एडिटोरियल के अलावा, वो सारे न्यूज़ को हम लोग इसमें कवर अप करने की कोशिश करेंगे पेज वाइज। ये देखो, पहला पेज पर जो आज न्यूज़ आया उसमें ये बता रहा है कि सीएम चौहान, जो कि मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान, इन्होंने बोला कि अनाउंसेस द मूव टू डाइल्यूट द एससी एसटी एट्रोसिटीज एक्ट। तो ये मामला क्या है, ये तो चलो पॉलिटिकल न्यूज है, लेकिन मामला ये है कि मतलब एससी एसटी से मतलब जो एक्ट बनाई गई थी, वो एक्ट जो है उनको मतलब प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई गई थी, ठीक है। तो मतलब कि उनके राइट्स को कोई वायलेशन नहीं कर सके, उनको कोई प्रताड़ित नहीं कर सके, जिस तरीके से इतिहास जो है उनके समाज पे, उनकी कम्युनिटी पे हमेशा क्रूरता दिखाई है, उन सब चीजों से उभारने के लिए ये एक्ट बनाई गई थी। और इसके तहत क्या प्रावधान है कि उनके लिए एक अलग से मतलब कोर्ट भी होता है, मतलब पैनल भी अलग से डिसाइड होते हैं, वो सारी चीजें होती हैं। और अगर वो कोई कंप्लेन कर दिए जाकर, तो मतलब विदाउट मतलब इन्वेस्टिगेशन लोगों को अरेस्ट कर लिया जाएगा। तो इसका जो है, इसका इसको जितना यूजफुल होना चाहिए जिस पर्पज के लिए, कुछ ऐसे मामले उभर कर आ रहे हैं जिसमें लोग जो है इसका मिसयूज कर रहे हैं, लोगों को धमकी देने के लिए, डराने के लिए, ऐसे चीज़ों के लिए इसका यूज कर रहे हैं। तो इसमें ये चीज़ें मामले चल रही है। तो एट्रोसिटीज़ एक्ट को ये डाइल्यूट करने की बात कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि ये बता रहे हैं कि मतलब विदाउट मतलब प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन जो है किसी को अरेस्ट नहीं किया जाएगा। तो आगे जो मामले चलेंगे, इस मामले को हम लोग एडिटोरियल में पूरे डिटेल में देखेंगे। ये देखो नेक्स्ट न्यूज़ है, इसमें ये बता रहे हैं कि अभी जो प्रधानमंत्री बने हैं पाकिस्तान के नए, वो मतलब इंडिया से रिक्वेस्ट किए, और फिर हमारे जो एक्सटर्नल मिनिस्टर हैं सुषमा स्वराज और जो पाकिस्तान के एक्सटर्नल मिनिस्टर हैं, वो दोनों जो हैं न्यूयॉर्क में मिलेंगे और वहां पर वार्तालाप होगी। नेक्स्ट देखो, ये इलेक्शन है, मीट द बेनिफिशियरी नंबर वन इन द, ये जो हमारा जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसके तहत कितने बेनिफिशरीज, 10.7 करोड़ बेनिफिशरी हैं, और फिर बेनिफिशरीज रोल आउट इतने हुए हैं। और फिर इसमें क्या है कि मौसमी वाइफ, ये जो पहली जो वुमेन दिख रही है, ये पहली बेनिफिशरी है जिसके तहत इनको मतलब 5 लाख रुपए तक का हेल्थ स्कीम मतलब इंश्योरेंस मिलेगा। तो अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल, द बेनिफिशरी हु दोज मीट द एलिजिबिलिटी, तो इसमें कुछ जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताए गए हैं कि वे लोग ही एलिजिबल होंगे, मतलब सभी को ये चीजें जो मतलब इंश्योरेंस से वो नहीं मिलेगी। बिलो पॉवर्टी लाइन में भी कुछ कुछ डिस्टिंक्शंस हैं, तो उस डिस्टिंक्शंस को हम लोग देखते हैं इसमें और डिटेल में जो है नेक्स्ट पेज पे बताइए। तो नेक्स्ट पेज पे चलने से पहले फ्रंट पेज की और जो न्यूज है उसमें हम लोग देख लेते हैं। आफ्टर 30 मंथ्स रेट्स, ये जो स्मॉल सेविंग का रेट्स है 40 बेसिस पॉइंट इसे बढ़ा दिया गया। यहां पे बताया गया सेंटर सर से अनाउंस की कि 40 बेसिस पॉइंट हाइक इन द इंटरेस्ट रेट ऑफ द स्मॉल सेविंग्स। ये देखो सेविंग डिपॉजिट पे, जैसे जुलाई टू सेप्टेम्बर जो हमारा क्वार्टर था उसमें कितना 4 था, तो अभी अक्टूबर में भी ये 4 ही रहेगा। लेकिन 1 ईयर डिपॉजिट के लिए अगर आप 6.6% इंटरेस्ट था, तो अब वो कितना बढ़ जाएगा, 6.9% बढ़ जाएगा। तो इसमें ये चीजें समझने वाली है कि बेसिस पॉइंट, तो आप कमेंट सेक्शन में ये हमें लिख के बताओ कि 100 बेसिस पॉइंट मतलब कितने परसेंटेज का इंक्रीज होता है, ठीक है। और दूसरी बात एक ये भी है कि रेपो रेट, रेपो रेट क्या होती है, रेपो रेट इसमें दो चीज़ें होती है, या तो आरबीआई जो है या बैंक को मतलब किसी इंटरेस्ट रेट पे लोन देती है, पैसे देती है, या फिर आरबीआई कुछ इंटरेस्ट रेट पे जो है बैंकों से मतलब अपने मतलब पैसों को खरीदती है, अपने पास स्टोर करके रखती है। तो रेपो रेट क्या होता है, रेपो रेट वो रेट होता है जिस रेट पे जो है आरबीआई जो है बैंकों को क्या देती है, पैसे देती है। तो अगर मान लो रेपो रेट आरबीआई बढ़ा देती है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, बैंक जो है वो कम पैसे खरीदेगी आरबीआई से, क्योंकि मतलब वो वेट करेगी कि रेपो रेट जब मतलब डिक्रीज करेगा, तो वे वो उस कंडीशन में जो है हम ज्यादा पैसे आरबीआई से खरीदेंगे। और जब ये चीजें जब ये कम खरीदती है बैंक, तो ऑब्वियसली है कि जब वो कम खरीदेगी तो यहां पे इंटरेस्ट रेट भी कम होगा, और फिर पीपल को जो है वो मतलब कम इंटरेस्ट रेट जब मिलने लगेगा, तो वो भी पीपल के भी टेंडेंसी इसमें क्या चेंज हो जाती है, और पीपल लोग जो ज्यादा मतलब खर्च करने की बजाय क्या करते हैं, ज्यादा पैसे को बैंक में जमा करने लगते हैं। क्यों, क्योंकि उनको इंटरेस्ट रेट कम मिल रहा है, तो ऐसी स्थिति में वो लोन लेना नहीं चाहेंगे। तो ये सारे मामले हैं रेपो रेट और बेसिस पॉइंट से रिलेटेड जो आपको इसमें समझनी थी। ये देखो जो नेक्स्ट आर्टिकल आया, जेट अभी एयरवेज में जो चीजें हुई इसको हम लोग एक्सप्लेन्ड पेज में पूरी डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। और अपवर्ड मोबिलिटी से भी एक आर्टिकल आया, इसे भी हम लोग एक्सप्लेन्ड पेज में पूरी डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। तो अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, नेक्स्ट पेज पे फोर्थ पेज पे देखो, ओनली वुमेन प्रोसिक्यूटर, ये जो है कि महिला कोर्ट। महिला कोर्ट क्या होता है, महिला कोर्ट ऐसा कोर्ट होता है जो कि स्पेशली मतलब किस पर्पज के लिए बनाया जाता है, डील्स विद द केसेस स्पेसिफिक टू द ऑफेंस अगेंस्ट द वुमेन, जो कि वुमेन के ऑफेंस के अगेंस्ट हुआ
होगा, वैसे केसेस को डील करने के लिए महिला कोर्ट बनाया जाता है। दिल्ली में अगर देखा जाए तो 25 ऐसे फंक्शनल महिला कोर्ट हैं विच आर द मजिस्ट्रियल कोर्ट, जिसे हम लोग मजिस्ट्रियल लेवल के कोर्ट कहते हैं। और ये जो कोर्ट होते हैं कौन कौन से मतलब धारा को ये मतलब डील करती है, ये देखो जैसे सेक्शन 498 जिसके तहत हस्बैंड और रिलेटिव ऑफ द हस्बैंड ऑफ अ वुमेन सब्जेक्टिंग टू हर, मतलब कोई हस्बैंड या फिर कोई हस्बैंड का जो रिलेटिव है अपनी उसके वाइफ को के प्रति कुछ क्रुएलिटी कर रहा है। सेक्शन 406 देखो अगर तो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ द ट्रस्ट, ट्रस्ट का जहाँ पे ब्रीच हो रहा है। 354 में मॉलेस्टेशन, 354 में सेक्सुअल 54A में सेक्सुअल हरासमेंट से रिलेटेड केस, 363 में किड का नैपिंग का हो गया, या फिर 377 में अननेचुरल ऑफेंसेस हो गए, 509 में वर्ल्ड जेस्चर और द एक्ट इंटेंडेड टू इंसल्ट द मॉडेस्टी ऑफ द, कोई ऐसी एक्ट अगर जिसमें वुमेन की मॉडेस्टी उनके मतलब सम्मान को कोई ठेस पहुंचा। तो ये सारे मामले जो हैं कहां पर डील किए जाते हैं, महिला कोर्ट में, और ये स्पेशली जो है महिलाओं के ही सब्जेक्ट्स को चुनती हैं। तो ये चीजें आपको जाननी आवश्यक थी। नेक्स्ट पेज पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज पर देखो ये ग्लोबल और पॉलिटिक्स से न्यूज़ आया, इसमें बोला गया एक्टिंग जो JNK के DGP बनाए गए हैं वो अभी अपने ऑफिस को कंटिन्यू करेंगे। ये अपेक्स कोर्ट बोली, अपेक्स कोर्ट कौन होती है, सुप्रीम कोर्ट होती है। अब देखो जैसे कि एक्टिंग DGP हमारे जो मतलब ये जो सुप्रीम कोर्ट बोली थी कि एक्टिंग DGP नाम का कोई ऐसा मतलब प्रावधान ही नहीं है। अगर किसी स्टेट को अपना DGP अगर उनको लगता है कि DGP अब जो रिटायर होने वाले हैं तो 3 महीने पहले ही क्या करना होगा, उस पर्टिकुलर स्टेट को जो है UPSC कमीशन को वहां पर नोटिस देना होगा कि आने वाले 3 महीनों में हमारे DGP जो है रिटायर होने वाले हैं, ऐसी स्थिति में नए DGP की आवश्यकता है तो प्लीज मुझे नेम रिकमेंड कीजिए। और फिर जब UPSC कमीशन के पास ये नोटिस 3 महीने पहले जाएगी तो UPSC कमीशन वाले 2-3 नामों की एक बना देगी लिस्ट, और वो 2-3 नाम जो है उसको भेज देगी स्टेट गवर्नमेंट के पास, और फिर वो स्टेट गवर्नमेंट वो 2-3 नामों में से एक नाम को चूज करके वहां पर DGP बना लेगी। लेकिन इन सब के बीच कि अचानक DGP आज आपके रिटायर हो रहे हैं और कल आप जो है UPSC कमीशन से बोलो कि मतलब मुझे DGP की जरूरत है, और तुरंत ये चीजें नहीं हो सकती। और ऐसे मामले में अगर आप चाहोगे कि तब तक मैं एक्टिंग DGP बनाकर अपने स्टेट में रखूं तो ये सारे प्रावधान जो है नहीं होते हैं। तो लेकिन ये अभी हम लोग जम्मू और कश्मीर का मामला देखे थे जिसमें अचानक से DGP को वहां हटा गया था, और क्यों, क्योंकि वहां के जो मतलब जो प्रेजेंट सिनारियो है वो थोड़ा अलग है। वहां पर अभी जो लोकल इलेक्शन होने वाले हैं और वहां पर लॉ एंड ऑर्डर भी थोड़ी चेंज हो गई है, तो जिस कारण से ये चीजें की गई। हाईकोर्ट टू गवर्नमेंट रिमूव टाइल्स विद द पिक्चर PM&CM, जो ये प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो है सभी को आवास बनाया जा रहा है, तो उसमें क्या हो रहा है कि जो टाइल्स उनके घरों पे लग रही है उस टाइल्स में जैसे वहां के चीफ मिनिस्टर जो शिवराज सिंह चौहान है या फिर वहां के जो प्राइम हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर PM मोदी है, उस टाइल्स पे इनका फोटो इनक्रिप्टेड होता है। तो अभी ग्वालियर के कोर्ट ने कहा कि इन सारे पिक्चर्स को हटाने की आवश्यकता है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। नेक्स्ट पेज पर हम लोग देखते हैं कि इंडिया अनलाइकली टू अचीव द टारगेट ऑफ द रिड्यूस डेथ ड्यू टू द NDC। NDC क्या होता है, NDC होता है नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज, जैसे कि तो इसमें बोला गया कि यूनाइटेड नेशन का जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है तो उस गोल को मतलब 2030 तक जो एक गोल है कि आप प्रीमैच्योर डेथ ड्यू टू द 4 मेजर मतलब प्रीमैच्योर डेथ जो हो जाती है, तो वैसे हम कारण बताए गए हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज के कारण जो है इंडिया उसको अचीव नहीं कर पाएगी। और वो कौन कौन से नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हैं, जैसे कार्डियोवास्कुलर डिजीज हो गए, दूसरे हो गए कैंसर, तीसरे हो गए क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीज एंड द डायबिटीज, मतलब रेस्पिरेटरी से और डायबिटीज से रिलेटेड डिजीज, मतलब ये 3 डिजीज होने के कारण जो है ये टारगेट को जो है प्रीमैच्योर डेथ जो हो जा रही है उस टारगेट को मतलब यूनाइटेड नेशन के ऐसे बहुत सारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं तो उस गोल में से ये भी एक गोल है कि प्रीमैच्योर डेथ को कंट्रोल करना। तो इंडिया जो है इसका टारगेट जो 2030 तक इसे कंट्रोल कर लेना था वो शायद इसको अचीव नहीं कर सकती है, क्यों, क्योंकि ये सारे डिजीजेज के जिसके नाम मैंने बताए ये सारे डिजीजेज अभी तक अब कंट्रोल करने में हम सक्षम नहीं हो पाए। पेज 1 पे मैंने बताया था कि वो जो हम जो अभी आयुष्मान भारत के तहत 25 लाख मतलब 5 लाख रुपए तक का जो इंश्योरेंस मिल रहा है गरीबों को, तो उसमें से सारे गरीब नहीं है, उसमें से कुछ ऐसे बताए गए कि कौन कौन मतलब जो आपके लिस्ट में जो फॉल करेंगे वही उन्हीं लोगों को जो है ये मतलब इंश्योरेंस मिलेगा। और उसमें बोला जाता है कि इसमें जो बहुत सारे ऐसे BPL फैमिलीज हैं जिनका मतलब वो बिलो पॉवर्टी लाइन तो हैं लेकिन उनके घरों में अगर रेफ्रिजरेटर है या फिर 2-व्हीलर्स है तो वैसे लोगों का नाम इसमें नहीं आया। तो सबसे पहले हम लोग यही देख लेते हैं कि हु आर एलिजिबल फॉर द प्रधानमंत्री
ये जो आरोग्य योजना है उसके तहत कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं, मैं आपको थोड़ा सा और इसे बड़ा करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखो, इसमें देखो, दोज इंक्लूड्स इन द रूरल डाटाबेस ऑफ द सोशियो इकोनॉमिक एंड द कास्ट सेंसस। मतलब सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस में पहले तो जो नहीं है उनका नाम इसमें नहीं होगा। दूसरी बात क्या होगा, हाउस होल्ड, मतलब जिनके पास शेल्टर नहीं है, जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है, उसका लिविंग्स ऑफ द आर्म्स जो कि मतलब भिक्षा मांग के अपना गुजारा कर रहे हैं, मैनुअल स्कैवेंजर फैमिली जो कि मतलब कचरे और मतलब ऐसे मल वगैरह का जो उठाते हैं मैनुअल स्कैवेंजर, वैसे लोगों को, प्रिमिटिव ट्राइबल और ग्रुप जो मतलब पहले से ट्राइबल ग्रुप है, लीगली रिलीज्ड बॉन्डेड लेबर जो बॉन्डेड लेबर हैं, हाउस होल्ड विद एनी सेवन डेप्रिवेशन क्राइटेरिया, जैसे कि ऐसे क्राइटेरिया जो हाउस होल्ड में मतलब अगर मेंटेन होते हैं, जैसे कि वन और लेस रूम ऑफ द कच्चा वॉल कच्चा रूप, मतलब एक और एक से कम अगर उनके पास रूम है और वो कच्चा रूम है, नो एडल्ट मेंबर इन द हाउस होल्ड बिटवीन 18 to 59, मतलब उस घर में कोई 18 से 59 बीच के बीच में कोई ऐसे एडल्ट मेंबर नहीं है, फीमेल हेडेड हाउसहोल्ड विद द नो एडल्ट मेल बिटवीन द 16 to 59 विद द डिफरेंटली एबल मेंबर एंड द अदर एबल बॉडी एडल्ट, मतलब उसमें जो है डिफरेंटली एबल लोग हैं जो मतलब हम नॉर्मली कार्य करने में सक्षम नहीं होते हैं, एससी एसटी हो गए या फिर विद नो लिटरेट एडल्ट अबव 25 ईयर, मतलब 25 साल के ऊपर कोई उसमें लिटरेट पर्सन नहीं है, फिर लैंडलेस हाउस होल्ड जिनके पास लैंड नहीं है घर बनाने के लिए, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि इस क्राइटेरिया में एलिजिबल होते हैं जिनको जो है ये इंश्योरेंस मिलेगी। और कौन कौन इसमें से नहीं है, इसमें से ऐसे लोग जिनके पास मोटर बाइक हो, 2 हो 3 हो 4 हो या फिर फिशिंग बोट हो, उसके बाद मैकेनाइज 3 व्हीलर या फिर एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट हो, जैसे थ्रेसिंग मशीन हो गया, ट्रैक्टर जिसके घर में हो, तो ये लोग इसके लिए एप्लीकेबल नहीं होंगे। किसान क्रेडिट कार्ड विद द क्रेडिट लिमिट ऑफ द 50,000 जिनके पास हो, अ मेंबर विद द गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट, जो गवर्नमेंट जिस घर में कोई भी एक पर्सन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या फिर इनकम मोर देन 10,000 पर पर्सन हो, तो ऐसे बहुत सारे क्राइटेरिया हैं। ये अगर क्राइटेरिया के अंदर अगर आप आते हो तो आपको जो है इस स्कीम का मतलब फायदा नहीं उठा सकते हो। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ये देखो, ये सारी मतलब जितनी भी स्कीम्स की बताई गई थी, यही यही जो चीज़ें हैं जो कि हमें देखनी थी कि यो कौन कौन इसमें फॉल करते हैं और कौन कौन चीज़ों को इसके अंदर फॉल नहीं करते हैं। कैग रिपोर्ट पिक्स ऑन द होल्स ऑन द गुजरात ओडीएफ क्लेम। ओडीएफ क्लेम क्या होता है, ओपन डिफिकेशन फ्री, मतलब खुले में शौच करना, जहां पर मतलब बताया गया कि ये पर्टिकुलर स्टेट जो है यहां पर सभी जगह शौचालय बना देगा, यहां पर कोई भी लोग खुले में शौच नहीं करता। तो ऐसे में दो स्टेट हैं, एक गुजरात और दूसरा उत्तराखंड, ये दोनों स्टेट मतलब क्लेम किए थे कि हमारा स्टेट जो है ये ओपन डिफिकेशन फ्री हो गया, लेकिन कैग का जो रिपोर्ट आया उस रिपोर्ट में कहा गया कि ये जो है इस पर कोई आधार नहीं है और इसे हम लोग सही नहीं मान सकते हैं। सेंटर हैज सजेस्टेड ऑल इंडिया सेस टू द हेल्प केरला। केरला में अभी जो रिबिल्ड केरला करके प्रोग्राम चल रहा है, फ्लड के कारण जो है वहां की बहुत मतलब भयावह स्थिति हो गई, पूरी मतलब तहस नहस हो गई स्थिति वहां की, तो अभी उसमें बोला गया कि इसके तहत जो है अभी सेंटर इस चीजों पर गौर कर रही है कि कैसा ऐसा कुछ प्रोविजन बनाया जाए कि जिसमें जीएसटी के अंतर्गत जो है मतलब ऐसे सेस लगाए जाए, मतलब कुछ ना कुछ परसेंटेज आपको 0.3% या 0.4% आपको पैसे के देने होंगे। जैसे आप रेस्टोरेंट में खाना खाते हो, तो रेस्टोरेंट में खाते हो तो आप देते हो ना जीएसटी पर्टिकुलर परसेंट 18% का, तो उसमें 18% में से हो सकता है 0.5% और आपको देना पड़ जाए, जो कि किस पर्पस के लिए यूज होगा, ये केरला के फ्लड में जो अभी रिबिल्ड केरला को रिबिल्ड करने के लिए, लेकिन ये अभी सिर्फ विचारधीन है, अभी ये ऐसा हुआ नहीं है। और यहां पर इसमें दो प्रॉब्लम भी, एक प्रॉब्लम यह है कि किसी पर्टिकुलर स्टेट के लिए मतलब वहां से टैक्स लेना, ये पहली बार पूरी कंट्री में होगी और ये मतलब फर्दर जो है बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, फिर जो है सब स्टेट ऐसे डिमांड करना स्टार्ट कर देंगे। और दूसरी बात, जो हमारी सॉफ्टवेयर है जो जीएसटी फाइल करने की, वो सॉफ्टवेयर को भी कैसे कंपाइल कर पाना ऐसे पर्टिकुलर स्टेट्स के लिए कुछ सेस लगाने के लिए, ये सारी चीजों को फिर से हमें समझने की जरूरत है और इसमें ये दिक्कतें आएगी। अभी देखो लाइव, इसमें बोला जाता है लाइव स्टॉक एक्सपोर्ट एट द टूना पोर्ट। टूना पोर्ट कहां पर हो गया, ये गुजरात में टूना पोर्ट है, और यहां पर होता क्या है कि लाइव स्टॉक जो मतलब मवेशियों होते हैं ये एक्सपोर्ट करते हैं, लगभग 7,850 जो ऐसे गोट्स मतलब बकरी या फिर भेड़ थे ये टूना पोर्ट पे लाए गए फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में एक्सपोर्ट करने के लिए, कहां पे, दुबई कर में। तो ऐसे में जो है यहां के जो हैं जो डीएम है वो मतलब बोले हैं कि एट्रोसिटीज जो ये है वायलेशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ द क्रुएलिटी ऑफ एनिमल्स के तहत इन सब चीजों को रोक कर रखे हैं, तो अभी उस पर जो है गुजरात हाईकोर्ट भी है जो है स्टे ऑर्डर लगा दी है।
नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये IMD साइक्लोन अलर्ट फॉर द ओडिशा, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है ये मतलब बोल रही है कि ये जो बे ऑफ बंगाल में थोड़ा लो प्रेशर बेल्ट बन रहा है और यहाँ पे ऐसी आशंका है कि ओडिशा या आंध्र प्रदेश मतलब जो भी सी के आसपास के रीजन है वहाँ पर जो है साइक्लोन बन जैसी परिस्थिति बन सकती है। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, नेक्स्ट पेज पर देखते हैं कि अब हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आए हैं। ये देखो एक्सप्लेन पेज, एक्सप्लेन पेज में एक न्यूज हमने अभी फ्रंट पेज से छोड़ा था कि इंटर जनरेशनल मोबिलिटी। इंटर जनरेशनल मोबिलिटी मतलब क्या होता है, मोबिलिटी बाय द ज्योग्राफी, मतलब ये बोला था अपवर्ड मोबिलिटी मतलब क्या होता है कि एवरेज एजुकेशन रैंक ऑफ द सन, मतलब कि जैसे यहाँ पर आपके ये पिताजी हो गए और ये मान लो उनका पुत्र हो गया, ठीक है, तो इनका जो पुत्र हुआ ये पिताजी मान लो उतने पढ़े लिखे नहीं है, ठीक है, ये मतलब जिनका जितनी उनको शिक्षा होनी चाहिए जिस लेवल की वो शिक्षा नहीं, लेकिन इनसे जो पुत्र हुए हैं वो पुत्र कितने पढ़े लिखे हैं, क्या उनको एजुकेशन मिल पाया, ये हो सकता है कुछ परिस्थितियों के कारण उन्हें एजुकेशन नहीं मिल पाया, लेकिन उनका जो बेटा है आज के दौर में जब वो जन्म लिया 2011 में 2012 में तो उनका बेटा को वो मतलब राइट टू एजुकेशन तो हमें 2011 में ही मिल गई, तो क्या उन्हें एजुकेशन मिला या नहीं मिला, तो यही बोला जाता है कि सन्स बॉर्न टू द फादर हु आर एट द बॉटम हाफ ऑफ द फादर एजुकेशन डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब फादर पहले ही बॉटम ऑफ एजुकेशन डिस्ट्रीब्यूशन की लिस्ट में, लेकिन उनके बेटे जो हैं उनको एजुकेशन मिल पा रहा है, यानी ये चीजों को देखने के लिए हम लोग क्या बोलते हैं उसको हम लोग बोलते हैं अपवर्ड मोबिलिटी। और जब वो एजुकेशन मिलेगा तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि उनका जो सोशल स्टैंडर्ड होता है, अपवर्ड मोबिलिटी मतलब हुआ कि आपका सोशल स्टैंडर्ड मतलब मान लो जैसे आप बिलो पॉवर्टी लाइन में रह रहे हो तो आपके आपके पास अगर मान लो एजुकेशन आ गया या फिर आपके पास वैसे कुछ गवर्नमेंट की जॉब मिल गई तो जिस कारण से क्या होगा आप बिलो पॉवर्टी लाइन से आपकी कंडीशन थोड़ी अच्छी हो जाएगी और पॉवर्टी लाइन से आप ऊपर हो जाओगे, आप जो है बेसिक नीड्स जो है इजिली अपनी पूरे कर सकते हो, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं मोबिलिटी, ठीक है, इसके हम बोलते हैं अपवर्ड मोबिलिटी, मतलब जो आप जैसे ये डिस्टिंक्शन दे दिया गया बिलो पॉवर्टी लाइन का हो गया, ये पॉवर्टी हो गया, ये अपर पॉवर्टी हो गया, ये मिडिल क्लास हो गया, तो आप बिलो पॉवर्टी लाइन से जैसे आप मिडिल क्लास में आते हो तो ये जो आपकी मोबिलिटी अपवर्ड मोबिलिटी है, तो ये जो डेटा इसमें देखा गया इसमें पाया गया कि मुस्लिमों का जो मतलब हमारे देश में SC ST भी हैं थोड़े जो अबव चल रहे हैं, देखो फ्रंट पेज पे मैं इसका एक बताया गया था, फ्रंट पेज पे मैं आपको दिखाता हूँ कि ये बताया गया था, देखो यहाँ पे अच्छा से एक डेटा दिखाया गया, इस डेटा में देखो ये बताया गया कि देखो फॉरवर्ड जो अदर थे इनमें कोई ऐसी चेंजेस नहीं आई, वो तो जैसे के जैसे उनकी मोबिलिटी थी वैसे ही के वैसे हैं, मतलब वो फॉरवर्ड के फॉरवर्ड ही रहे, बाकी जो थे शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब वो लोग में थोड़ी सी इंप्रूवमेंट दिख रही है, ठीक है, और लेकिन मुस्लिम का जहां पर रेट देखो मुस्लिम का तो ये देखो मुस्लिम का ये चीजें हैं, ठीक है, ये पहले इंक्रीज कर रही थी लेकिन अब ये देखो अचानक से यहाँ पर डिक्रीज कर रही है, और भी बाकी के केसेस में देख रहे हो ये जैसे ST के केसेस में ये डिक्रीज की इंक्रीज की फिर ये डिक्रीज की, शेड्यूल कास्ट के केसेस में देखो ये थोड़ी थोड़ी भले ही पेस स्लो है लेकिन ये चीजें जो है थोड़ी इंक्रीज कर रही हैं, और ये जो फॉरवर्ड के केसेस में ये चीजें लगभग सेम है, तो ये मुस्लिम के रिलेटेड में बताया गया कि मुस्लिम लोगों में मतलब कंडीशन में वैसी कोई सुधार नहीं देखी गई है, तो ये सारी चीजें थी जो कि अपवर्ड मोबिलिटी रेट से हमें समझनी थी। अब हम लोग नेक्स्ट पेज पे नेक्स्ट देखते हैं कि व्हाई केबिन प्रेशर मैटर, अभी जो ये मामला उभर कर आया कि हमें जो अभी जेट एयरवे में केबिन प्रेशर से रिलेटेड इशू हो गए और सभी के नाक और कान से खून बहने लगे, तो केबिन प्रेशर इतना इंपॉर्टेंट रोल क्यों प्ले करता है, तो उसे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, थोड़ा मैं और आपको बढ़ करके दिखाता हूँ इसे, ये देखो जेट एयरवे अभी जो मामला है जेट एयरवे फ्लाइट जो बोइंग 737 जो था ये जयपुर से मुंबई के लिए रूट में अभी चला और जैसे ये टेक ऑफ किया थर्सडे मॉर्निंग को शॉर्टली जैसे ये टेक ऑफ किया उसके बाद इसे वापस घुमाना पड़ा, क्यों, क्योंकि ड्यू टू द विच द ऑक्सीजन मास्क वेयर डिप्लॉयड एंड द बिगिन टू ब्लीडिंग द नोज एंड ईयर्स, मतलब लोगों के कान और नाक से ये ब्लीडिंग होने लगे। तो एल्टीट्यूड प्रेशर आखिर होता क्या है, देखो इन द अर्ली डे मतलब सबसे पहले जब ये फ्लाइट वगैरह जब बने थे तो उस टाइम जो है फ्लाइट्स को इतनी ऊंचाई पे उड़ने की इजाजत नहीं थी, वो उतनी ऊंचाई पे उड़ने के लिए कैपेबल नहीं थे, लेकिन आज के दौर में जो फ्लाइट्स उड़ती हैं तो मोस्ट ऑफ द जैसे जेट जो होती हैं वो कितने 25,000 से 51,000 फीट के आसपास पे उड़ती है और फिर मतलब उससे ज्यादा हायर एल्टीट्यूड मतलब 10,000 से ऊपर अगर एल्टीट्यूड पे हम जाते हैं तो वहां पर ऑक्सीजन की कमी होगी ना, प्रेशर भी वहां चेंज करेगा, और जब आप 10,000 से ऊपर के एल्टीट्यूड पे जाओगे तो वहां पे जो आप इस एनवायरमेंट में मतलब पृथ्वी पे जो रह रहे हो और जैसे नॉर्मली आप ऑक्सीजन को ले रहे हो कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ रहे हो प्रॉपर प्रेशर होने के कारण जैसे आप
माउंटेन पे भी कभी जाते हो तो उन लोगों का देखते हो किसी से नाक से खून बह जाता है, तो वो सारे प्रेशर्स एंड ऑक्सीजन के कारण होते हैं। तो अब जो फ्लाइट है वो 10,000 मीटर जो फीट से ऊपर चली गई, तो वैसी कंडीशन में जो फ्लाइट के अंदर का इन्वायरमेंट तो वैसा बना के रखना होगा जो कि मतलब इन्वायरमेंट कैसा हो, सिमिलर टू अर्थ हो। अगर वहाँ की इन्वायरमेंट अगर सिमिलर अर्थ नहीं बनाई जाएगी तो वो जो है वहाँ पर बहुत चेंजेज आ जाएंगे और लोगों को फिर वही चीज़ें आने लगेगी, उनके नाक कान से ब्लीडिंग होने लगेगी। तो ऐसे केसेस में इसको टेक्नोलॉजी को समझो, ये टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है एरोप्लेन में। ये जैसे देखो ये एरोप्लेन है, ठीक है, ये आप देख रहे हो। इसमें सबसे पहले क्या होता है कि यहां से एयर घुसती है, ये दोनों जो बने होते हैं एंबिएंट एयर इंटर्स इनटू द इंजन, यहां से एयर इंटर करता है। और जब ये एयर इंटर करता है तो इसे पहले क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है, ठीक है। इसे इंटर को गर्म, इंटर गर्म, जैसे ही इंटर होती है हवाएं वहां पर उसे गर्म की जाती है, उसके बाद कंप्रेस की जाती है, एक कंप्रेसर की मदद से सारी हवाएं को कंप्रेस की जाती है। और जब वो हवाएं कंप्रेस हो जाती है तो उसके बाद ये देखो यहां पर जो ये रीजन दिख रहा है इसके द्वारा एक चैंबर होता है, ये कूलिंग चैंबर होता है। इस कूलिंग चैंबर के द्वारा पहले उस जो हवाएं जो कंप्रेस हो गई उसे कूल करके उसे जो है इस एनवायरनमेंट में मतलब जहां पर केबिन में लोग बैठे होते हैं वहां पर भेजी जाती है मतलब ठंड हवाएं को। और उसके बाद जब वो हवाएं वहां चली जाती है कूल एंड कंप्रेस्ड एयर इज सर्कुलेटेड इन द केबिन क्रिएटिंग हाई प्रेशर एनवायरनमेंट। मतलब हम लोग अब जैसा एनवायरनमेंट पृथ्वी पे आपको एयरपोर्ट पे मिल रहा था सिमिलर आपको 10,000 फीट से जब ऊपर चले गए तो वही एनवायरनमेंट जो है इस कूलिंग एयर को यहां पर भेज करके वो एनवायरनमेंट तैयार किया जाता है। और उसके बाद देखो आउटफ्लो वाल्व, उसके बाद देखो यहाँ पे ये जो एरो बना हुआ लाल लाल वाला और ये जो एरो ये आउटफ्लो वॉल्व है, तो इसको इस तरीके से मेंटेन किया जाता है कि जितने रेट से यहाँ पर कूलिंग एयर इसमें इंटर की जा रही है और जिस रेट से एयर यहाँ से बाहर निकलेगी वो रेट इस तरीके से किया जाता है कि इसका जो रेट हो इंटर करने का वो ज़्यादा हो और बाहर जो निकलने का रेट हो वो कम हो। तो इस तरह से ये टेक्नोलॉजी काम करती है। तो वाई प्रेशराइज, इसमें आपके मन में ये भी क्वेश्चन आएगा कि इतनी प्रेशर मतलब बनाने की ज़रूरत है, तो मैंने आपको जैसे बताया कि पैसेंजर वो जो एक्सपीरियंस है प्रेशर ऑफ 7.3, अगर आप 10,000 से ऊपर चले गए 18,000 फीट से तो आपको जो वहां पर प्रेशर फील करोगे ये 7.3 पाउंड्स पर स्क्वायर इंच एंड द फॉल अनकंसियस विद इन द 30 मिनट, और आधे घंटे के अंदर जो है आप बेहोश हो जाओगे। और ऐसे में जैसे हाई एल्टीट्यूड पे आप जाओगे तो रिस्क ऑफ द जैसे हाइपोथर्मिया हो गया, डिफिशेंसी ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड हो गया, हाइपोक्सिया हो गया, ऐसे ऐसे मतलब चीजों से आपको जूझना पड़ सकता है जब आप 18,000-10,000 फीट से ऊपर चले जाओगे। तो ऐसी स्थिति में प्रॉपर एनवायरमेंट बनाना वहां आवश्यक हो जाता है। और फिर ऐसे बहुत सारे इसमें एग्जांपल्स भी दिए गए कि जब हम लोग वहां पे प्रॉपर एनवायरनमेंट बनाने में सक्षम नहीं हो पाए तो लोग जो है अनकंशियस हो गए, वहां इवन वहां के पायलट भी जो है मतलब अनकंशियस होके बेहोश होके वहां पर गिर गए। और फिर देखो टेक्स्ट क्रू ऑफ बोइंग 37 से पर्टिकुलर सर्कमस्टेंसेस देयर आर 12 स्टेप, और जो ये मतलब पायलट होते हैं उनको 12 ऐसे स्टेप्स मतलब लेने होते हैं जब जो है फ्लाइट को आप जब वो मतलब टेक ऑफ करते हैं। जैसे प्री फ्लाइट आपको कुछ लेना पड़ता है, स्टेप्स लेना पड़ता है, बिफोर इंजन स्टार्ट कुछ स्टेप्स लेने होते हैं, तो ये सारे स्टेप जो है पायलट को लेने होते हैं। तो ये आपके लिए तो खैर इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये चीजें जाननी जरूरी थी कि वो जो प्रेशर क्यों मेंटेन किया जाता है और वो प्रेशर को हम लोग किस टेक्नोलॉजी किस आधार पे मेंटेन करते हैं। होपफुली ये आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट हम लोग आर्टिकल पे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल में ये बताया गया कि वाई द ट्रिपल तलाक ऑर्डिनेंस इज नाइदर परफेक्ट नॉर नेसेसरी। अभी हमने कल का न्यूज में देखा था कि अभी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है एक ऑर्डिनेंस लाकर जो है अब ट्रिपल तलाक को मतलब पेनलाइज करना चाह रही है। ऑर्डिनेंस क्या होता है, ऑर्डिनेंस ये होता है जैसे कोई भी एक्ट या लॉ बनाते हैं तो उसके तहत क्या होता है आपको पार्लियामेंट के लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पास करवाना होता है। उसके बाद जब वो पास कर जाती है और प्रेसिडेंट का उस पर स्टैंप लग जाता है तो वो जो है एक्ट बन जाती है, लॉ बन जाती है। लेकिन ऑर्डिनेंस ये होता है कि अभी जो है फंक्शन में नहीं है, लोकसभा या राज्यसभा फंक्शन में नहीं है और ऐसी स्थिति में अर्जेंसी में कुछ ऐसे एक्ट को बनाना की आवश्यकता है तो प्रेसिडेंट का डायरेक्ट उस पर सिग्नेचर हो जाता है और फिर वो चीजें को हम लोग एक्ट बना सकते हैं, लॉ बना सकते हैं। और उसे जब ऐसी चीजें होती है तो उसके बाद जो मतलब सेशन जब वो स्टार्ट होगा तो उस सेशन में वापस से उस बिल को लाना आवश्यक होता है। खैर ये तो ऑर्डिनेंस की बातें थी, लेकिन हम लोग ट्रिपल तलाक के मुद्दे को देखो तो इसमें बोला गया कि मतलब ऐसा क्या जरूरी मतलब जरूरी नहीं है कि ट्रिपल तलाक को ऑर्डिनेंस लाया जाए। क्यों? क्योंकि यहां देखो सिटीजन एंड क्रिमिनल लॉ, पहले एक चीजों को समझो कि एक जो क्रिमिनल लॉ होता है और एक होता है क्या सिटीजन लॉ मतलब सिविल लॉ, दोनों में क्या डिफरेंस होता है। सिविल लॉ डील्स द प्राइवेट रॉन्ग ऑफ द पर्सनल राइट, जैसे आपकी कोई पर्सनल राइट की हनन हो गई, जैसे राइट टू स्पीच हो गई या आपको कोई राइट टू एजुकेशन मिला और आप जब स्कूल में पढ़ने जा रहे हो तो आपको कोई मतलब वहां शिक्षा नहीं दे रहा, तो ये सारी चीजों का जब आपका हनन होता है तो वेयर एन इंडिविजुअल इज हार्म्ड एंड देयरफॉर द कंपनसेशन इज कंसीडर्ड सफिशिएंट क्रिमिनल लॉ इज
तो ऐसी स्थिति में जब आपका पर्सनल कुछ राइट्स का हार्म हो रहा है तो ऐसी स्थिति में जो है आप पे क्या होती है वो मतलब सिविल लॉ लगती है, और ऐसी स्थिति में जो है कुछ कंपनसेशन देके मामले को ठीक ठाक कर लिया जाता है। लेकिन जब क्रिमिनल लॉ की बात होती है तो ये पर्सनल नहीं होती है। द सिचुएशन इन विच नॉट जस्ट एन इंडिविजुअल, इंडिविजुअल में इसमें इंजर्ड नहीं होते, बट द वेल बींग ऑफ द सोसाइटी ऑन स्टेक, मतलब पूरी सोसाइटी के बारे में इसमें सोची जाती है, और फिर इसमें सिर्फ एक कंपनसेशन देकर इसको छुटकारा नहीं दिया जा सकता। ऐसी स्थिति में जो है लीगल कुछ पनिशमेंट या फिर आपको कुछ सालों के लिए, कुछ महीनों के लिए जेल जैसी चीजें इसमें रखी जाती है। जैसे सेक्शन 377 अभी जो हमने देखा वो उसमें क्या होगा, आईपीसी के लिए इसमें हार्म थ्योरी के बारे में इन्होंने बताया कि अगर कोई कंसेंसुअल सेक्स करता है तो उससे सोसाइटी का कोई हार्म नहीं हो रहा, वो आपसी सहमति से कर रहा है। तो वैसी स्थिति में इसे जो है हम लोग सेक्शन 377 को हम लोग हार्म टू द सोसाइटी नहीं मानेंगे, इसलिए हम इसे क्रिमिनलाइज नहीं कर सकते, जो सुप्रीम कोर्ट का कहना था 377 के वर्डिक्ट में। अब देखो एक्सेसिव पेनल्टी, अभी इसमें ये जो आर्टिकल लिखे हैं फैजान मुस्तफा, ये कह रहे हैं कि ये जो मतलब इसमें पेनल्टी 3 साल का प्रावधान रखा गया ये बहुत ज्यादा है, और 3 साल का सजा कौन से केसेस में होता है। इन्होंने बताया कि राइटिंग आर्म्ड विद द डेडली वेपन, अगर आप डेडली वेपन्स वगैरह रख रहे हो, प्रमोटिंग द एनमिटी बिटवीन द क्लासेस ऑफ पीपल के बीच में अगर आप कुछ ऐसी दुष्प्रभाव दुष्भावना फैला रहे हो, मेकिंग और सेलिंग द इंस्ट्रूमेंट ऑफ द काउंटर, मतलब अपने जाली नोट वगैरह बना रहे हो, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ द काउंटरफिट या फिर जाली जैसे नोटों का इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो, डेलिब्रेट एंड द मैलिशियस इंसल्टिंग ऑफ द रिलीजन एंड द रिलीजियस बिलीफ ऑफ एनी क्लास, किसी के रिलीजन या रिलीजियस बिलीफ का अगर आप मतलब क्षति पहुंचा रहे हो, तो ऐसी स्थिति में जो है 3 साल की जेल होती है। लेकिन अगर देखो कि मतलब छोटे मोटे केसेस में जैसे कि नेग्लेक्टिंग द एक्ट लाइक द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन ऑफ द डिजीज, मतलब कोई ऐसे केसेस जिसमें आप स्प्रेड ऑफ डिजीज हो रहा है और फिर भी आप नेग्लेक्ट कर रहे हो, या फिर ऐसी जो ब्राइबरी मतलब घूस देने का, तो ये सब चीजों में कितना का, 1 साल का, 6 महीना का, ऐसे की सजा है। तो ये बोल रहे हैं कि ऐसी परिस्थिति में जो मतलब ट्रिपल तलाक के केसेस में जो है 3 साल का सजा अगर किसी हस्बैंड जो है अपनी वुमेन को दे देती है, अपनी वाइफ को तलाक दे देता है, तो ऐसे में उसे तो अगर वो उसकी वाइफ या उसके कोई रिलेटिव जाके FIR दर्ज करवाते हैं तो ऐसी स्थिति में उसके हस्बैंड को जो है 3 साल की सजा होगी, और ये उनका कहना है कि ये बहुत ज़्यादा होगी। आप कमेंट सेक्शन में अपने पॉइंट ऑफ व्यू भी लिखकर इस मामले में जरूर बताओ। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि सजा ज़्यादा होगी कम होगी ये तो मतलब अलग ही डिबेट चला गया, लेकिन अगर कुछ चीज़ें गलत हैं तो वो गलत चीज़ों को रोकने के लिए ही कुछ लॉ या एक्ट बनाए जाते हैं। जैसे कि आप ट्रैफिक पे जा रहे हो, ट्रैफिक पे मतलब रेड सिग्नल होता है वहाँ पर, ठीक है, और कोई अगर वहाँ पर जाकर नहीं रुक रहा है क्रॉसिंग के वक्त, तो ही मतलब वो वहां पे पुलिस जो ट्रैफिक पुलिस को खड़ा करना पड़ता है, क्योंकि लोग वहां पे नहीं सुनते, और जब आप फिर भी रेड लाइट के बावजूद भी अगर आप रोड को क्रॉस कर रहे हो, अपने व्हीकल को चला रहे हो, तो वैसी स्थिति में जो आप पे फाइन होगी, तो ये फाइन कितनी होगी, कम होगी, ज्यादा होगी, वो तो मामले अलग हैं, लेकिन ये फाइन होना आवश्यक है। और अगर लोगों को ये बातें अगर पता चल जाएगी कि ऐसे करने मुझे कम फाइन होगा, वैसे चीजें करने में ज्यादा फाइन होगा, तो लोग जो है उसको करने से जो उसका रियल मोटिव होता है किसी लॉ को बनाने का, कि मतलब से लोगों को रोका जाए, डिस्करेज किया जाए ऐसी चीजों को, वो डिस्करेजमेंट जो है कहीं ना कहीं इंकरेजमेंट का भी रूप ले सकती हैं। तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, आप भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू को जरूर कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे बताओ कि ये जो है, ये जो मतलब 3 साल की सजा को के ऊपर डिबेट होना कि सजा 3 साल का होना चाहिए या 1 साल का, 6 महीने का, ये सही है या गलत है। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, ये देखो अबे शिंजो अबे जो है ये फिर से जापान के प्राइम मिनिस्टर बने रहेंगे, ये जो है नेक्स्ट टर्म भी कंटिन्यू करेंगे। ये मार्क जुकरबर्ग बोल रहे हैं कि फेसबुक जो है वैसे सारे प्रोविजन को करने को तैयार है और वो स्टेप्स ले रही है जिससे कि हम लोग जो अभी मतलब फॉल्स न्यूज से रिलेटेड जो इश्यूज हो रहे हैं उसको हम लोग इजीली टैकल कर सकें। इकोनॉमी पेज पे अगर आकर देखें तो इसमें बताया गया देयर मस्ट बी अ थ्रेशोल्ड टू डिफाइन द ड्रग्स मिसयूज। अभी जैसे ये मामला किस चीज में चल रहा है, ये ऑक्सीटोसिन के केसेस में चल रहा है। सेंटर कह रही है कि जो ऑक्सीटोसिन है ये जितनी प्राइवेट कंपनी बना रही है वो जो उसका मिसयूज कर रही है। मिसयूज कैसे कर रही है, ऑक्सीटोसिन का जो है मिसयूज जो है फार्मर्स लोग जो है वेजिटेबल्स को, जैसे आपको देख रहे हो आजकल के वेजिटेबल्स के साइज कितने मतलब बड़े बड़े हो गए हैं, तो वैसी स्थिति में अपने साइज को बढ़ाने में या फिर जो एनिमल हस्बेंड्री जैसे काउ वगैरह जो मतलब पशुपालन करते हैं तो लोग मतलब गाय से उसके दूध को और ज़्यादा निकालने में जो है ऑक्सीटोसिन जैसी चीज़ों का यूज किया जा रहा है, तो वैसे में बताया जाए तो ये सेंटर का कहना है। लेकिन अभी जो
कोर्ट में ये मामले चल रहे हैं, कोर्ट में कहा जा रहा है कि आप इसे प्रूव करो, आप इसे प्रूव कर मुझे बताओ कि ऑक्सीटोसिन का मिसयूज आखिर रैम्पेंट वे में, मतलब इतने ज़्यादा बढ़ोतरी में कैसे हो रहा है, और क्यों जो है प्राइवेट कंपनी, मतलब लगभग 100 ऐसी प्राइवेट कंपनी है जो ऑक्सीटोसिन को बना रही है, तो ऑक्सीटोसिन को बनाने का उसका राइट जो है बंद कर दिया जाए। और अभी सेंटर का इस मामले पर यह कहना है कि सिर्फ एक जो है अकॉर्डिंग टू द ऑक्सीटोसिन मिसयूज फार्मर्स, ये जो वेजिटेबल के बारे में मैंने आपको बताया, अक्टूबर से जो है कर्नाटका का एंटीबायोटिक एंड द फार्मास्यूटिकल लिमिटेड KAPL जो जिसे हम लोग कहते हैं, यही इसी को सिर्फ जो है लीगली राइट होगा ऑक्सीटोसिन को बनाने का, और उससे जो है सरकार इसी तरह इजिली मॉनिटर कर पाएगी जो वो ऑक्सीटोसिन बनाई है और ऑक्सीटोसिन का यूज कहां पर हो रहा है। लेकिन जो है गवर्नमेंट जो है अभी इससे प्रूफ मांग रही है कि आप इसको कैसे प्रूव करोगे कि इसका मिसयूज हो रहा है, जो कि गवर्नमेंट के पास अभी पर्टिकुलर डेटा नहीं है। ये देखो इसमें जो अभी जो करंट अकाउंट डिफिसिट के बारे में ये जो है इनसे इंटरव्यू लिया गया, उस इंटरव्यू में कुछ अच्छी बातें मुझे लगी, वो बातें मैं आपसे शेयर कर देता हूं। सो वाटर the reasons for this, मतलब ये जो अभी करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है, जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का इंबैलेंस होता है। अगर यहां से मान लो अपनी कंट्री से 100 रुपए का इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं हम, और दूसरी कंट्री से अपने कंट्री में 1000 रुपए का मंगा रहे हैं कुछ सामान, तो ये 900 रुपए का जो डेफिसिट, 900 रुपए का जो इंबैलेंस हुआ, इसे हम लोग करंट अकाउंट डेफिसिट कहते हैं। तो इसके बहुत सारे रीजन हैं, और उसमें मतलब ये अपने रीजन बता रहे हैं कि पहला रीजन तो ये ब्लैक स्वान इवेंट मतलब क्या होता है कि यूएस की इकोनॉमी जो है वो मतलब जिस पेस पे, जैसे मतलब पूरे वर्ल्ड को यूनाइटेड स्टेट लीड करती है, लेकिन यूनाइटेड स्टेट की जो इकोनॉमी है वो भी इकोनॉमी उतनी पेस पे नहीं चल रही है। उसकी इकोनॉमी भी जैसे इमर्जिंग कंट्री की इकोनॉमी है उसी पेस पे, उसी स्लो रेट पे चल रही है। और साथ ही साथ जो यूनाइटेड स्टेट में है वो कोटा सिस्टम है, मतलब कोई भी पर्टिकुलर फर्म्स के लिए, कोई भी पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए कौन कितना वहाँ इन्वेस्ट कर सकता है वो कोटा पहले से डिफाइन है। जैसा कि चाइना में भी कोटा सिस्टम है कि इमर्जिंग इकोनॉमी बेस्ड ऑन द सर्टेन एल्गोरिदम, कुछ एल्गोरिदम होते हैं कि कौन सी इमर्जिंग इकोनॉमी वहाँ पे कितनी मतलब इन्वेस्ट कर सकती है, सारी चीज़ें कर सकती है, इसका वहाँ पर ये सारी प्रोविजन है। दूसरा ये कारण बता रहे हैं कि राइज इन द ऑयल प्राइसेस का जो राइज हो रहा है, ये दूसरा कारण है। और तीसरा बताते हैं रुपी हैज़ डिप्रिसिएटेड बट इट हैज़ नॉट बीन वॉलेटाइल, मतलब रुपी जो है उनका वैल्यू तो गिरा है लेकिन ये इतना वॉलेटाइल नहीं है। ये हम लोग पहले ही आर्टिकल में डिस्कस कर चुके हैं कि रुपी जो है डॉलर के मुकाबले सिर्फ हमें दिख रहा है कि ये बहुत ही वर्स्ट मतलब परफॉर्म कर रहा है, लेकिन रुपी का कंडीशन दूसरे करेंसी के मुकाबले अगर देखो, आप युआन के मुकाबले देखो, रूबल के मुकाबले देखो, या फिर दिनार के मुकाबले देखो, तो ये हम जो है उतनी बुरी परफॉर्म नहीं कर रहे हैं जितना हमें दिख रहा है। तो ये सारे कारण जो ये बताए गए हैं, और उसमें से एक सबसे इंपॉर्टेंट इनके इंटरव्यू का मुझे ये पार्ट लगा कि व्हाट यू से अनफेयर ऑफ द सेगमेंट। तो इसमें बताए कि जैसे कि बातें होती हैं कि मतलब ये टैक्स पेट्रोलियम का जो टैक्सेस वगैरह है, इतना रेट जो बढ़ रहा है उसके टैक्सेस को मतलब सेंटर कम करे ताकि जो पेट्रोलियम का कॉस्ट है वो कम हो जाती है। इसमें ये बताएं कि कुछ पीपल क्या होते हैं रेल से मतलब ट्रैवल करते हैं, और कुछ पीपल जो होते हैं वो फ्लाइट से ट्रैवल करते हैं, लेकिन जो करंट अकाउंट डेफिसिट जो बन रहा हमारे कंट्री में, सॉरी, वो किसके कारण बन रहा, वो ट्रैवल कर जो ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हैं उनके कारण नहीं बन रहा, वो जो फ्लाइट से लोग ट्रैवल कर रहे हैं वो जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ये करंट अकाउंट डेफिसिट में बनाने में। और उनमें एक एग्जांपल यहां पर लिया गया कि जैसे कि मान लो कि यहां पर बताएं कि जैसे कि माइग्रेशन ऑफ द फोर व्हीलर्स, जैसे कि आप लोग बोल रहे हो कि बहुत सारी चीज़ों को टैक्स को घटा देना चाहिए, जब टैक्स की चीज़ों को घटा देंगे तो उससे क्या होगा, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना, जैसे कि मान लो कि टू व्हीलर्स हो गए या फिर फोर व्हीलर्स हो गए, तो आप ऑयल का या फिर पेट्रोल का डिमांड हमारे देश में ज्यादा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये जो टू व्हीलर हैं या फोर व्हीलर हैं ज्यादा से ज्यादा लोग खरीदने में सक्षम हो गए। और अगर आप ऐसी स्थिति में फिर से आप पेट्रोल का टैक्स घटा देते हो तो ये जो टू व्हीलर या फोर व्हीलर खरीदने वाले लोग हैं ये और भी इंकरेज होंगे और जो है तो अपने टू व्हीलर्स और फोर व्हीलर जो है और खरीदने लगेंगे। और जो ये टू व्हीलर या फोर व्हीलर खरीदेंगे, ये खरीदेंगे कहां से, क्या इंडिया इसे प्रोड्यूस करती है, जी नहीं, ये जो भी जो टू व्हीलर या फोर व्हीलर होगा, आप या होंडा खरीदोगे या आप जो है कुछ भी कार खरीदते हो, तो ये सारी की सारी कंपनी जो है बाहर की है। और जब हम बाहर से इंपोर्ट करना स्टार्ट करेंगे तो हमारी करंट अकाउंट डिफिसिट जो है वो अभी जितनी वर्स्ट है वो और भी वर्स्ट हो जाएगी। तो मामले सिर्फ ये नहीं कि हम जो है पेट्रोल के दामों के टैक्स को घटा देते हैं, अगर हम एक तरफ इसे घटाते हैं तो दूसरी तरफ हमारी इकोनॉमी जो है बहुत बुरी परफॉर्म करेगी, हमारी करंट अकाउंट डिफिसिट जो है और भी वाइडन हो जाएगी। क्योंकि हमारे पास वैसे कुछ प्रोविजन है ही नहीं, क्या हम कितने हमारी कंपनी जो हमारे देश में कार बनाती है या फिर
टू व्हीलर बाइक्स बनाती है। तो ये सारी चीजें हमें समझने की जरूरत थी। ओपेक मस्ट गेट प्राइस डाउन नाउ सेज ट्रंप। ये बोल रहे हैं कि जैसे कि मिडिल ईस्ट की जितनी भी कंट्री हो गई वो सारी कंट्री को प्रोटेक्शन कौन देती है? यूनाइटेड स्टेट देती है। तो अभी ट्रंप का ये स्टेटमेंट है कि क्योंकि मैं आपको प्रोटेक्ट करता हूं बाहर के मतलब थ्रेट से, तो जिस कारण से जो है आप पेट्रोल के दामों को मेरे लिए बढ़ा नहीं सकते, यूनाइटेड स्टेट के लिए आपको कम करना होगा, और अगर ऐसा नहीं करते हो तो आपको कुछ कंसिक्वेंसेज झेलने पड़ेंगे। ये डोनाल्ड ट्रंप का कहना। एफपीआई सेल बॉन्ड्स वर्थ 1 बिलियन सो फार सितंबर। अभी जैसे मैंने बताया आपको कि पहली बात इसमें देखो कि यूएस डॉलर इंडेक्स क्या होता है, वो डॉलेक्स कहलाता है, तो ये आपको ही समझना चाहिए। और दूसरी बात जैसे ये फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर होते हैं, जो कि पोर्टफोलियो इन्वेस्टर कौन होते हैं, जो बाहर के एनआरआई लोग होते हैं या फिर दूसरे कंट्री के लोग होते हैं जो हमारे कंट्री में आके इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो जब हमारी रुपी जो है परफॉर्म गलत कर रही है, बहुत बुरी कर रही है, रुपी का दिनों दिन वैल्यू घटता जा रहा, तो वैसी स्थिति में ये लोग जो बॉन्ड यहां पर मतलब इन्वेस्ट किए थे, ये सारे लोग जो है अपने बॉन्ड को बेचकर वापस अपने कंट्री में जा रहे हैं, यहां पर इन्वेस्टमेंट करना बंद कर दे रहे हैं। और ये जो है मतलब ये उनको जो लगाया है ये लगभग 1 बिलियन तक पहुंच गया है। नेक्स्ट पेज पर चलता हूं। नेक्स्ट पेज पर वैसी कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं आई है, मिनट देख लेता हूँ। इकोनॉमी से न्यूज साइड में एक इंपॉर्टेंट न्यूज हमारे लिए थी। यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि ये देखो, इंडिया एक्सपेक्टेड टू 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, मतलब 2025 तक जो हमारी इकोनॉमी हो जाएगी वो 5 ट्रिलियन की हो जाएगी, और हम लोग यूनाइटेड स्टेट और चाइना के बाद जो है इंडिया का ही नाम हर जगह होगा। और इतना ही हमारे आज के न्यूज़पेपर में था। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।